नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर, 600 लोगों की मौत। इन दिनों लगभग पूरा भारत स्वाइन फ्लू का कहर झेल रहा है। इस खतरनाक फ्लू से अब तक लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 175, गुजरात में 150, मध्य प्रदेश में 81 और महाराष्ट्र में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। देश में हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वाशिंगटन में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवार पर लिखा मुस्लिम गेट आउट। अमेरिका में कुछ लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और मंदिर की दीवार पर अभद्र टिप्पणियां लिख दी। यह घटना उस समय हुई जब अज्ञात बदमाशों ने सिएटल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में एक मंदिर की दीवार पर स्वस्तिक पर स्प्रे किया और फिर पेंट से मुस्लिम गेट आउट लिख दिया। हिंदू मंदिर एवं सांस्कृतिक केंद्र बोथेल न्यास बोर्ड के अध्यक्ष नित्य निरंजन ने बताया कि इस तरह की चीज अमेरिका में नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के अध्यक्ष राजन जेड ने घटना की निंदा करते हुए इसे हिंदू समाज के लिए दुखद बताया है। धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धार्मिक हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दो ईसाई संतों के सम्मान कार्यक्रम में बोलते हुए मोदी ने कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर हिंसा की कतई इजाजत नहीं देता। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में चर्चों पर लगातार हमले हुए हैं जिनकी हर ओर कड़ी निंदा की गई है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी के इस बयान को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इंजीनियर की क्रूरता से मासूम की जान चली गई। तेलंगाना के मेडक जिले में एक साइट इंजीनियर ने मजदूर महिला को उसके बच्चे को कथित तौर पर 2 घंटे तक दूध नहीं पिलाने दिया, जिससे भूख से बिलखते बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ए राम रेड्डी ने बताया कि घटना 7 फरवरी को हटनूर में हुई। इस पर पुलिस ने निर्माण कंपनी के साइट इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम, शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। देश भर में मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शिवालयों में सुबह से ही ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी, साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में अन्य शिव मंदिरों में भी दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ था। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।